4 मार्च 2021 में रिपोर्ट पॉजिटिव आया जिसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो मैंने कोलकाता में अच्छे से अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने इलाज शुरू नहीं किया, सिर्फ मेरा वक्त को ज़ाया किया। तो डॉक्टर जमाल साहब ने रिपोर्ट देखा, देखने के बाद बताया कि आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि आप दिल्ली आ जाइए, आपका यहाँ बेहतर इलाज होगा। मैनेजमेंट उनका बड़ा बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा, और मेरा इलाज मुकम्मल हो चुका है। मैं इजहार अहमद, कोलकाता वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मुझे दिसंबर 2020 में कुछ तकलीफ़ महसूस हुई, डॉक्टरों को से कंसल्ट किया, उन्होंने इलाज किया। काफ़ी इलाज करने के बाद उन्होंने मार्च के महीने में बायोप्सी करवाया मेरा। 4 मार्च 2021 में रिपोर्ट पॉजिटिव आया जिसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो मैंने कोलकाता में अच्छे से अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट किया, सबों ने मशवरा दिया कि आपको ये सर्जरी करके जो ट्यूमर है उसको निकाल देंगे। इसी दरमियान एक साथी ने मुझे बताया चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये काफ़ी अच्छा है, सरकारी है, यहाँ पे अच्छा इलाज होता है, आप उनसे कंसल्ट करें। मैंने उस अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट शुरू करवाया। वहाँ जब ट्रीटमेंट शुरू करवाने गए तो डॉक्टरों ने देखा, देखने के बाद सीटी स्कैन करवाया, देखा कि हाँ कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, ये पोजीशन है। तो उन्होंने इलाज शुरू नहीं किया, सिर्फ मेरा वक्त को ज़ाया किया। 3 महीने तक सिर्फ, वो कोरोना के बाद ही का, लॉकडाउन का ज़माने के बाद ही था। जब वहाँ जाते तो वो लोग का ये था कि आप कोरोना टेस्ट करवा के आइए, आप ब्लड रिपोर्ट किसी हफ्ता में, एक ही ब्लड रिपोर्ट को 1 महीने में 2-2 बार हमसे करवाएं, ECG करवाइए, एक्सरे करवाइए, तरह तरह से सिर्फ मैंने उन लोगों ने टेस्ट ही करवाते ही रह गए। इसी दरमियान मेरा बीमारी काफ़ी बढ़ने लगा, तकलीफ महसूस होने लगी। वो जब रेडिएशन का ज़माना चला तो यहाँ से जो ये इस तरह से रेडिएशन हुआ, जो जिसका तकलीफ आज भी है, ये पूरा जल गया अंदर से और बाहर से, या पूरा अंदर तक, मैंने ऐसा हुआ कि अब खाना भी मुश्किल हो गया। तो एक राइस ट्यूब लगा दिए जिससे सिर्फ लिक्विड पास कर रहा था, और हालत बहुत बदतर हो गया, यहाँ तक के बिस्तर में ही चला गया। वज़न कम होकर 45 kg हो गए, जबकि मेरा अपना वज़न 80 kg का था। रेडिएशन हो जाने के बाद कंप्लीट, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप 3 महीने के बाद आना, अब रेडिएशन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद फिर चेकअप करते हैं। रेडिएशन के 15 दिन के बाद फिर तकलीफ बढ़ने लगी और तकलीफ़ ज़्यादा होने लगा। फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया, उनके पास गए तो उन्होंने फिर से चेकअप किया। चेकअप करने के बाद बताया कि देखिए ये आपका जो ट्यूमर है ये काफ़ी अग्रेसिव है, ये तो रेडिएशन के बाद इसको रुक जाना था लेकिन रुका नहीं, ये तो अब बढ़ता जा रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग जो भी प्रोसेस है 3 महीने के बाद, तो अभी आप कीमोथेरेपी करवा लें। तो उन्होंने फिर उसी अस्पताल में डॉक्टर के पास रेफर किया, उनके पास गए, वो डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद बताया कि नहीं ये मामला बहुत सीरियस एडवांस स्टेज में पहुँच चुके हैं, ये कीमोथेरेपी से भी काबू में नहीं आएंगे, कंट्रोल नहीं होगा। मैंने उनसे सवाल किया कि सर कीमोथेरेपी अगर शुरू करेंगे तो क्या क्योर हो जाएंगे? तो बताया क्योर तो नहीं होंगे आप, जब तक आपकी ज़िंदगी है इसको लेना होगा। मैंने पूछा मेरी ज़िंदगी कब तक है, तो उन्होंने बताया कि बीमारी का जैसा हाल आपका बता रहा है 1 साल 1.5 साल, यानी सितंबर के महीने में 2021 में डॉक्टर से कंसल्ट किया था। और मेरे घर के लोग, मेरे अहलिया, मेरे भाई, मेरे दोस्त बहन सभी थे, काफ़ी परेशान हो गए कि उन्होंने बता दिया सिर्फ साफ लफ्ज़ों में कि आप लाइलाज हो चुके हैं, बिस्तर मर्ग पे जा चुके हैं, बचना मुमकिन नहीं है आपका, बीमारी बहुत ख़तरनाक है, एग्रेसिव मूड में, काफ़ी घबरा गए, परेशान हो गए। उसी वक्त मेरा एक साथी नासिर अली, जो डॉक्टर जमाल खान साहब के यूट्यूब में
सर्च करके बताए हमको कि इनसे कंसल्ट कीजिए, देखते हैं हम लोग। तो डॉक्टर जमाल साहब ने रिपोर्ट देखा, देखने के बाद बताया कि आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मुझे पहले हिम्मत दिया कि आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह इलाज शुरू हो चुका। मैं घर कोलकाता ही में था, दो डोज मुझे कोलकाता में लगवाए। उनका जो टेक्नीशियन कोलकाता का वो आता घर पे, बहुत सहूलत के साथ मेरा इलाज को शुरू किया। दो डोज लगने के बाद मैं डॉक्टर साहब से फिर वीडियो कॉल के ज़रिए रब्ता कायम किया, तो उन्होंने बताया कि आप दिल्ली आ जाइए, आपका यहाँ बेहतर इलाज होगा, आपको फिजिकली सामने से देख सकते हैं, वीडियो कॉल में उतना साफ नज़र नहीं आता। दिल्ली में जाने के बाद डॉक्टर जमाल साहब ने देखा, देखने के बाद इलाज शुरू किया। तो बताए थे छः डोज लगा, बीमारी मेरा काफ़ी हद तक कम हो चुका था, तकलीफ से राहत में बदल गए। उसके बाद उन्होंने फिर से पेट सीटी स्कैन करवाया, उसमें रिपोर्ट मेरा ट्यूमर का साइज रिड्यूस होकर 9 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर में आ चुका है। फिर डॉक्टर साहब बोले कि आपको तो अभी और चलेगा, 3 डोज और लगवानी है। तो फिर मैंने 3 डोज भी लगवाए। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से बताया कि भाई मेरे साथ कुछ मामला है फाइनेंशियल, तो उन्होंने फिर कुछ अपने तरफ से भी मुझे इलाज किया। उसके बाद फिर मेरा ये सिलसिला अब दिल्ली से कोलकाता का आना जाना लगा रहा। आखिरी डोज में मैं गया था नवंबर 26 तारीख को डॉक्टर जमाल साहब के पास, उन्होंने फिर से पेट सीटी स्कैन करवाया, करवाने के बाद बताया कि अब आप बीमारी से खारिज हो चुके हैं, आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है, अब आप अच्छे हो गए। तो मैं काफ़ी तंदुरुस्त हो चुका हूँ, वज़न गेन हो चुका है मेरा, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर जमाल साहब का और उनके मैनेजमेंट का। डॉक्टर राव हैं और उनके बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा इलाज किया। उनका जो हॉस्पिटल है वो भी बहुत बेहतरीन है, नर्सिंग होम बना के रखते हैं। वो मेरे मुंह के अंदर में इंजेक्ट करना, वो देखना, इस तरह से वेट चेक करना, प्रेशर चेक करना, मैनेजमेंट उनका बड़ा बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा। जो नाउमीद हो चुके थे मैं और मेरे घर वाले लोग, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने इलाज किया, तो जिसके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरा इलाज मुकम्मल हो चुका है। मैं तो बहुत खुश हूँ उनके इलाज से, और मैंने अपने इलाज के दौरान ही उनके पास दो पेशेंट को रेफर भी कर चुका, जिसमें से एक का इलाज अभी चल रहा है माशाल्लाह, वो भी कामयाबी के तरफ है।